हिंजा का जो पर्स गिरा था ना कल, हिंजा ने ना पर्स लेकर ही दम लिया, आखिरकार लेकर ही दम लिया ना। मैं पर्स ना ऊपर रख दिया ऐसे गिरी ने, आज के बाद मैं अपने पर्स को ये करने आपके। अच्छा वाले अंकल से कि आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, जब पेट्रोल बढ़ता है तो लोग रक्षे वाले फौरन कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, किराया इतना नहीं इतना ही होगा, और अभी जब कम हुआ है ना तो कभी भी कम नहीं करेंगे, उसी रेट पर ही लेके जाएंगे। ऐसा है कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और ये अब तक के हमारे यहाँ लगा हुआ ही है तो लगा ही रहने देते हैं, उतार देंगे बलून, उधर पड़े हुए हैं जितने थे बाकी के, हिंजा फोड़ चुकी। और यार मुझे जो है ना मेरे मोबाइल के ऊपर कल टपा टप परसों रात से जो मैसेज आना शुरू हुए, तो यार जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे विश किया है, मुझे मैसेज किए हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मेरा वो मोबाइल ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो चल रहा है, लेकिन अगर मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो उसमें ना मैं कुछ रीड कर पा रही हूँ ना कुछ रिप्लाई कर पा रही हूँ, तो ऐसा है कुछ। तो बस अभी उठेंगे, खाना बनाएंगे, तहरी बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और यार सर्दी की वजह से जो है ना सुबह काफ़ी लेट हो रही है, तो इसलिए काम करते करते भी लेट हो जाता है, और शाम काफ़ी जल्दी हो रही है तो इसलिए कुछ अंधेरा टाइप हो जाता है। तो ऐसी है कुछ कहानी। तो यार मैं बनाने लग पड़ी हूँ आलू की तहरी, हसन की फरमाइश पे कि गीली गीली वाली जो है वो आलू की तहरी बनाओ, तो फटाफट से मैंने कहा चलो यार बना ही लेते हैं तहरी, जबकि हमने शायद अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी या पता नहीं, याद नहीं यार। अब जरा ऐसा मैं तैयार हुई ही नहीं हूँ, और ये हिंजा को दौरे पड़ गए कि फटाफट से बस मुझे भी तैयार करो, खुद तैयार होके बैठ गई। और मैं क्यों तैयार हुई हूँ कि मैं जल्दी से ये तहरी चढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद निकलूंगी, मुझे जो ट्राउजर लेना था जो दिन मेरा काम रह गया था ट्राउजर लेने का, वो मैं आज करके आऊंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और छींक आने वाली है लेकिन रुक रही है, ये बड़ी मुसीबत होती है जिंदगी में। कर दो भाई ईशल, इसको तैयार कर दो पहले, किसी को करो ना करो, सब्जी बन जाए ना यार, फटाफट से खाना बनने में देर नहीं लगती, सारा मंजन जो है ना ये सब्जी बनाने का है। और दुपट्टा ऐसा लग रहा है मैंने मटके या बोरी में से निकाल के पहना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इस्त्री नहीं की है। क्या हो गया भाई, मुसीबत आ जाती है यार, पहले ईशल इसको तैयार कर दो, तुम्हें कह रही हूँ मैं, लगाती क्यों? हाय हाय, और मौसम क्या बताया जाए, मौसम। और यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में हर किसी को पसंद होती है, मतलब उसमें किसी का कोई मुंह शू नहीं बनता कि क्या पका लिया, उनमें से मेरे घर में एक चीज तहरी है जो कि सब लोग शौक से खाते हैं मेरे घर में, और मेरी अम्मी के घर में मेरे अब्बू को बिल्कुल नहीं पसंद है तहरी, खा लेते हैं मुझे बनती है लेकिन उनको पसंद बिल्कुल नहीं है, चावल की चीजें वैसे उनको कम ही पसंद आती हैं, ऐसा है। तो तहरी मेरे घर में हर कोई शौक से खाता है, जब बनाओ जब खा लेंगे, जब बनाओ जब खा लेंगे। और मेरे ख्याल ज्यादातर सभी के घर के अंदर जो है ना तहरी इस टाइप की चीजें जो लोग खा ही लेते हैं गर्मियों में, तो खास तौर से। बस आलू मेरे हो गए हैं, चावल मैंने भिगो दिए हैं, मिर्चे और पुदीना मैं काट के रखूंगी, फटाफट से इसको लगाऊंगी दम पे और फिर निकलेंगे हम लोग बाजार। मैंने कहा अगर हम लोग लेट हो गए तो खाना नहीं बन पाएगा, और गैस मेरी यहाँ 5-6 दिन से बिल्कुल नहीं जा रही, लेकिन कुछ पता नहीं होता यार कि कब ये दफा हो जाए, 5-6 दिन से तो बिल्कुल मौजूद है भाई, लेकिन कुछ अता पता नहीं होता, इसलिए मैंने कहा पका कर ही चल लो, ऐसा ना हो कि गैस चली जाए और फिर खाना ना बन पाए। मैं पुदीना जो है ना वो डंडियों के साथ डालती हूँ, चाहे बिरयानी हो चाहे तहरी हो चाहे चटनी हो चाहे
पुलाव हो चाहे कोई भी चीज हो, मैं डंडियों के साथ ही पुदीना कट करती हूँ, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ के नहीं डालती हूँ, मैं पूरी गड्डी काटती हूँ, सिर्फ जो नीचे की एंड की खाली वाली लकड़ियां बचती है ना इसकी डंडियां, बस वो फेंकती हूँ, बाकी मैं पूरा काटती हूँ। और ऐसे ही मैं हरा धनिया के साथ करती हूँ, क्योंकि जो खुशबू डंडियों के अंदर है ना यार, वो जो है ना उसमें नहीं, मैं बोल रही हूँ शायद इतना लंबा बाल निकल आया, लेकिन ये धागा है, धागे से बंधी हुई है भाई। तो गाइस यहाँ पे बस अभी मेरे चावल जो है दम पर आने वाले हैं, उनको दम पर लगाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट से। सुनैशा ट्यूशन गई भी है, ईशल मैं और हिंजा जा रहे हैं। अक्सर रक्षे वाले यही करते हैं, पेट्रोल महंगा है, अब गिर गए पैसे तो गिराना भी चाहिए। हाँ ये बात है, हाँ शुक्रिया बराबर। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ बाजी पेट्रोल के पैसे कम गिर गए, अब कम हो गए किराया, ऐसा नहीं। पेट्रोल के पैसे कम है, पेट्रोल मेरा हो रहा है मेरे अच्छे पे तो, और इसकी शक्ल चेक करें भी रोशनी आएगी ना, इतना बदतर आ रही है हमारे साथ, इतना टेंट इसने थोपा है ना कि साफ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट में, और हिंजा को जो है ना आते ही यहाँ पे जो है पर्स की लग गई, कि मुझे पर्स पक्का दिलाई गया, और जोर जोर से बोले। अब मैं रक्षे वालों से यही कह रही थी, रक्षे वाले अंकल से, कि आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, जब पेट्रोल बढ़ता है तो लोग रक्षे वाले फौरन कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, किराया इतना नहीं इतना ही होगा, और अभी जब कम हुआ है ना तो कभी भी कम नहीं करेंगे, उसी रेट पर ही लेके जाएंगे। ऐसा है कि नहीं, तो ऐसा है कुछ। तो पर्स फेंक दिया, ये नहीं, चल बता दो यार कौन सा अच्छा लग रहा है, इसको दिला दो। इसके कितने बताए उन्होंने? 140। और ये बिल्कुल छोटा सा, कितने में शादी? छोटा ये ले लो, मुझे तो यही अच्छे लग रहे हैं ये वाले। ये ले लो, चलो हाँ ये ले। सारे ने निकाल ले, एक निकाल के दे दो, हालत देखो चुड़ैल की। 400 तो हमने यही निकाल, और अंकल के दुनिया का मंजन है आप, बिंदिया बिंदिया मेहंदी के डिजाइन। हिंजा ने जहाँ से पर्स लिया है अपना, हिंजा अपना दिमाग नहीं खराब करो, भी अच्छा नहीं लग रहा। जी 552। चलो भाई दस्तरखान लगा लो। गाइस हम लोग आ चुके हैं बाजार से, और जिस काम के लिए मैं गई थी ना ट्राउजर के लिए, मुझे मिला ही नहीं, मेरे मर्जी का करो, या डार्क मिल रहा है या बहुत लाइट मिल रहा, उसके अलावा फालतू का खर्चा हो गया। लेने गई थी क्या, लेकर आई हूँ क्या, हिंजा बेगम ने पर्स के लिए कोई इतना वक्त डाला, मुझे पर्स दिलाओ, जो कल मेरा गिरा था, फिर उनको दिलाया पर्स। दस्तरखान लगा लो, भूख से लग रही है वाट, खाना खाएंगे अभी। वो रस्ते में अमरूद देखकर आ गई है, अब उसको लगी है कि मम्मा मुझे अमरूद चाहिए, अमरूद, अब अमरूद लेने जाऊं मैं इसके लिए। तो यार हम लोगों ने जो है खाना वाना खा लिया है, और सब सर्दी के मारे अपने अपने खोपचों में घुस गए। अभी बजे हैं कोई 10:30 हुए है ना मानो, 10:30 हुए, और सब जो है ना यहाँ वहाँ घुस के लेट चुके हैं, अंधेरा कर चुके हैं, अपने मोबाइल लेके सुकून के साथ सिर्फ हम दोनों यहाँ पे बैठ के मंडला रहे हैं, अपना पान दान लेके हम खाएंगे अपना पान। एक हमारे मुँह में छोटा सा रह गया, अब हम इसको थूक देंगे और दूसरा पान अपना लगा के खा लेंगे। और हिंजा का जो पर्स गिरा था ना कल, हिंजा ने ना पर्स लेकर ही दम लिया, आखिरकार लेकर ही दम लिया ना। हाँ,
मैं पुष्पा फट दी ऐसी गिरी ने, आज के बाद मैं अपने पुष्पा ये करने आपके। अच्छा, आज के बाद ये अपने पर्स को लेकर ही नहीं जाएगी बाजार, कभी भी नहीं लेके जाएगी। और इसको याद था, मैंने इसको कल बोला था कि मैं जब बाजार जाऊंगी ना तो तुम्हें पर्स दिला दूंगी। और हमने बाजार में एंट्री मारी और ये शुरू हो गई भाई कि मुझे पर्स दिला दे, मुझे पर्स दिला दे, ऐसा ही है ना कुछ। और इसका मुंह चेक करें, अब तक इसका ना ट्रेंड साफ ही नहीं हुआ, पागल बन जाती है ये बिल्कुल ही। चलो अल्लाह हाफिज कर देते हैं वीडियो को। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।